हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरु जी। और यहाँ पर इस चैनल पर जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आते ही हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं मेरे हिसाब से देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या ये बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, तो उसमें अब अगर ऐसा ही पता हो तो आपको पेपर ही बता दें। खैर, तो उस कॉमेंट से इंस्पायर होकर जिन बच्चों ने ऐसा पूछा कि सर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इससे ही एक सीरीज़ स्टार्ट करने की इच्छा हुई ताकि आप लोगों की और अच्छे से हेल्प हो सके। और इसमें जो है हम चैप्टर वाइज जो है बोर्ड एग्ज़ाम के पिछले 5 ईयर की, जैसे अभी जो है मैं कंपनी अकाउंट जो आपका चैप्टर है उसके पिछले 5 ईयर के अंदर, पिछले 5 सालों के अंदर जो भी कंपनी अकाउंट के क्वेश्चन आए हैं उनको मैं लेके आया हूँ। और इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आंसर कैसे देते हैं, और कुछ चीज़ें सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो मेहनत लगती है इसमें, समराइज़ करना, फिर टाइप करना, फिर वीडियो बनाना, फिर आपको समझाना। तो एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, है ना, इसमें कोई आपको मेहनत नहीं लगेगी। हाँ, वीडियो आपको पसंद आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इतना कोई नहीं करेगा। खैर, चलते हैं। ये है कॉमर्स वाले गुरु जी, लास्ट 5 ईयर अकाउंटेंसी बोर्ड पेपर, लास्ट 5 सालों के अकाउंटेंसी के बोर्ड पेपर। वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चैप्टर वाइज, जैसा कि मैंने बोला कि कंपनी अकाउंट है फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपके, तो उस कंपनी अकाउंट के अंदर लास्ट 5 साल के अंदर RBSE बोर्ड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे कौन से क्वेश्चन से जो कंपनी अकाउंट के अंदर पूछे गए पिछले बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो लास्ट 5 ईयर के अंदर जो कंपनी अकाउंट है उसके क्वेश्चन आपके सामने हैं, और इसके अंदर जो है हम यहाँ पर ये क्वेश्चन तो करेंगे और आपको बताएंगे कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे कैसे जाते हैं, उनके पूछने का तरीका क्या होता है, कंपनी अकाउंट्स के अंदर से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पेपर मैंने जैसे बोला लास्ट 5 ईयर, तो इसमें आपका 2020 आ जाएगा, और इसके अंदर आपका 2020 हो गया, फिर 2019 आ जाएगा, 2018 का पेपर आ जाएगा, 2017 का आ जाएगा, और 2016 का आ जाएगा। तो ये 5 ईयर के पेपर के अंदर जो कंपनी अकाउंट के क्वेश्चन आए हैं वो मैं अभी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यू आएंगे अगर इसके ऊपर, और रियल में ही अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो फिर ऐसे कंपनी अकाउंट की तरह ही अदर चैप्टर जो है उनके बारे में भी हम सेम ऐसा ही जो है एक सीरीज चलाएंगे, जिसके अंदर आपको और भी 5 ईयर के अंदर जो पिछले 5 सालों में अदर चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन और वो क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के अंदर जो है कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आए हैं, तो उसके अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और क्या लिखा हुआ, राइट डाउन द नेम ऑफ मेथड, कुछ मेथड से नाम पूछिए, किसके मेथड, राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाते थे ना, आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21 क्वेश्चन नंबर 20 तो TDS का था, याद है, जिसके अंदर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाते थे, उसको उस अकाउंट को बनाने के कितने मेथड हैं, और उस मेथड से हम फिर उस लॉस को PNL में शो करते थे, तो उस अकाउंट को बनाने के 2 मेथड थे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये देखिए, और वैसे पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर था वो 2 मेथड जो थे वो उसमें फर्स्ट था इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। हिंदी मीडियम वालों को मैं ये सजेस्ट करूँगा बेटा, आप इंग्लिश में क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें, उससे आपको सीधा क्लियर पता चल जाएगा, क्योंकि हम अकाउंटिंग एंट्रीज और अकाउंटिंग और कोई भी अकाउंट है उसका नाम, ये सब कुछ हम किस में करते हैं, इंग्लिश में ही करते हैं, हिंदी में आप हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाओ। सेकेंड नंबर है, और कौन सा मेथड था, और था रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर मेथड,
रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर मेथड। तो ये दो मेथड थे, इन दो मेथड के आपको सिर्फ नाम बताने थे और आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं। नेक्स्ट 2020 के अंदर और कौन सा कंपनी अकाउंट के अंदर क्वेश्चन आया था, तो मतलब लास्ट ईयर, अभी 2020 का पेपर आएगा वो मैं अगले साल बताऊंगा, लेकिन तब तक आप तो निकल जाएंगे। इन विच रेट जीरो कूपन रेट डिबेंचर आर इशूड, शून्य ब्याज दर वाले जो ऋण पत्र इशू किए जाते हैं, डिबेंचर इशू किए जाते हैं, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होती है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होती है। तो इंटरेस्ट रेट नाम से पता चलता है 0% होती है, इंटरेस्ट होता ही नहीं है उसके ऊपर, इसीलिए नाम ही जीरो कूपन रेट है। हाँ, इसको इशू जो हम करते हैं, इसको जो कंपनी इशू करती है वो किस पे करती है, डिस्काउंट पे करती है, और रिडम्पशन एट पार या प्रीमियम पे करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इनको बेनिफिट हो जाता है। तो इसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता लेकिन बेनिफिट दिया जाता है, डिस्काउंट पे इशू करते हैं और रिडम्पशन जो है, शोधन जो है, वो प्रीमियम पे या पार पे कर देते हैं। आया समझ में, सही है? हाँ सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये बड़ा अच्छा रहा कि इसमें पूछा है प्रिपेयर अ फॉर्मेट, अब ये एक दो नंबर का क्वेश्चन था, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ कंपनी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस विथ ओनली मेन हेडिंग्स। आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना था लेकिन ओनली मेन हेडिंग्स के साथ, पर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 अंडर शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड, वो तो हमें पता है, शेड्यूल नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, शेड्यूल नंबर थर्ड अनुसूची थर्ड और पार्ट सेकंड के अंदर पीएनएल का फॉर्मेट है, तो वो पीएनएल का फॉर्मेट आपको बनाना था। हाँ जी बिल्कुल, आपको वो पीएनएल का फॉर्मेट बनाना था। अच्छा, कैसे बनाना था, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जरा एक सेकंड रुकिए, ये आया, इंसर्ट कर सकते हैं अपन मेरे हिसाब से इमेज, वो करके बताता हूँ। मैं बनाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको सोच रहा हूँ, ये देखिए ये आ गया, ये रहा, ये ऊपर आ गया सबसे, ये था, दिख रहा है, ये बनाना था। इसमें भी क्या, मेन मेन हेडिंग लिखनी थी आपको, ओनली मेन हेडिंग्स और कुछ भी नहीं, क्या करना था, ओनली मेन हेडिंग्स। अब मेन हेडिंग्स के अंदर क्या आ गया, नेम ऑफ द कंपनी लिखते, ऊपर लिखते स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड इन रुपीज, पर्टिकुलर नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये डेटा लिख देते, फिर ये मेन हेडिंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना था, अदर इनकम लिखना था, इन दोनों को टोटल करने से आ जाती है टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस, एक्सपेंस के अंदर जो है ना ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये जो है ये करना था, और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंप्लीट हो गया, बस मेन मेन हेडिंग लिखनी थी आपको। ओके, तो ये था, तो इसीलिए देखो बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखो एग्जाम में, अब बताओ इंपॉर्टेंट कहाँ रह गई, इंपॉर्टेंट टीचर अपने हिसाब से बताता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपके कोर्स के अंदर से, इसलिए फिर मैं ये बता रहा हूँ आपको, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना बच्चों को लास्ट ईयर के पेपर के अंदर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बताऊँ, ताकि उनका दिमाग लगे और उनको पता चले कि कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट फोर्थ, ये है भाई आशा लिमिटेड। आशा लिमिटेड जो है उन्होंने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, कितने, 10,000। ओके, ये कितने रुपए का, 100 पर इशू, किस में कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पर इशू, किस पे कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो इशू 10% अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपये हो गए, ठीक है। पेबल एज फॉलोस, पेबल कैसे, 40 रुपये तो है आपके एप्लीकेशन पर, 40 रुपये किस पे, एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन पे 40 रुपये। ओके सर, एप्लीकेशन पे 40 रुपये, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है, समझ गए, यानी कि अगर इसको हम अगर अच्छे से समझें तो देखो कुछ इस तरीके से नहीं हो जाएगा ये, सर कैसे हो जाएगा देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, यहाँ स्पेस लेते थोड़ा, यहाँ करते हैं, देखो कि यहाँ पे जो है आपका एक पेन ले लूँ, हाँ एप्लीकेशन जो है वो तो है 40, लेकिन 40 में इंक्लूड क्या है,
एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड है आपका प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 100 का 10%, 10 रुपीज़, तो यहाँ हो जाएगा आपका 30 प्लस 10, क्योंकि फेस वैल्यू चाहिए ना हमको, तो फेस वैल्यू से प्रीमियम को एक बार अलग करना। हाँ, दोनों मिला के हम एप्लीकेशन पे 40 रुपये ज़रूर मंगा लेंगे। 40 ऑन अलॉटमेंट, अच्छा अलॉटमेंट पे कितना है 40 रुपीज़। अब इसने क्या चेंज किया इस क्वेश्चन के अंदर, इसने एक ये चीज़ चेंज कर दी कि भाई हम हमेशा, हमने जो प्रैक्टिस करी है उसके अंदर हम प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मंगा, यहाँ प्रीमियम किसके साथ में आ रहा है, एप्लीकेशन के साथ में आ रहा है। ये छोटा सा चेंज किया इसने। फर्स्ट कॉल के साथ कितना हो गया, फर्स्ट कॉल के साथ 30 रुपये आ रहे हैं, 30 रुपीज़, ये 30 रुपीज़। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 9500 शेयर, ये एक और चेंज किया इसने। इस बार हम शेयर इशू कितने करना चाहते हैं, हम शेयर इशू करना चाहते हैं, शेयर इशू कितने करना चाहते हैं, शेयर इशू कंपनी करना चाहती है 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई, एप्लीकेशन आ गई 9500। तो यहाँ पर प्रोवाइड अलॉटमेंट नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करना पड़ेगा 90%। तो देखते हैं, यहाँ की टोटल तो 100 हो गई, 10 प्रीमियम हो गया, ये हो गया 110। तो हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करना पड़ेगा। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक कीजिए, सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उसको चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि न्यूनतम अभिदान, कम से कम इतनी एप्लीकेशन आनी चाहिए सेबी बोलता है, तो न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो होता है 90% ऑफ इशू, शेयर इशू, जितने आप शेयर इशू करना चाहते हैं उसका 90% के बराबर एप्लीकेशन आनी बहुत ज़रूरी है। तो हम शेयर कितने इशू करना चाहते हैं 10,000, उसका 90% कितना हो गया 9,000, तो 9,000 रुपये की, 9,000 रुपये नहीं है, 9,000 शेयर्स अंश के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आ रही है 9,500, तो कम से कम 9,000 एप्लीकेशन का आना ज़रूरी है। हमारे पास एप्लीकेशन 9,000 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब हम शेयर इशू कर सकते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं और क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ मतलब सही में बहुत बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं जिसकी कोई नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको फिर नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आप सोचते हैं ना कि पूरा पेपर हार्ड आएगा, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही ईजी आते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको बस इतना समझना है कि बोर्ड एग्ज़ाम का जो एक क्या बोलते हैं मतलब एक प्रेशर है ना, वो नहीं रिलीज करना है आपको, नॉर्मल जाके एग्ज़ाम देना है अच्छी तैयारी के साथ, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि फुल अलॉटमेंट कर दिया और कोमल जो है जो होल्ड करती है 300 शेयर, कोमल कितने होल्ड करती है 300 शेयर होल्ड करती है, उसने क्या किया फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। भाई ये कोमल है पर वो कोमल नहीं है, कोमल होती तो वो अलॉटमेंट वगैरह पे कर देती, तो कोमल जो है वो कोमल नहीं है और उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, ठीक है। और इसके पास शेयर कितने हैं, हमने इसको दिए कितने हैं, हमने इसको जो शेयर्स दिए हैं वो हिंदी में 30 लिखा हुआ, ये गलत है थोड़ा बेटा, 300 दिए, कितने दिए 300, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो ये 300 है। ओके, अनदर शेयर होल्डर राज होल्डिंग 200 शेयर्स, राज जो है वो कितने होल्ड करता है 200 शेयर, और उसने क्या किया पेड कॉल मनी विथ अलॉटमेंट इन एडवांस। तो राज जो है वो सही है, तो इसके पास तो 300 शेयर्स थे और इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल चुका ही नहीं। एक है राज, राज के पास 200 शेयर है और इसने क्या किया अलॉटमेंट तो पे किया ही किया और अलॉटमेंट के साथ में क्या पे कर दिया फर्स्ट कॉल, तो कॉल्स इन एडवांस आ गई। बस आपको अलॉटमेंट जो करना है और जनरल प्रविष्टि देनी है, तो बहुत ही सिंपल था। मैं इसकी फटाफट आपको एंट्रियाँ करा देता हूँ, वैसे आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ही इजी एक क्वेश्चन था ये, लेकिन चलिए मैं करा देता हूँ आपको। हाँ जी, तो यहाँ से हम फटाफट इसकी एंट्रियाँ करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, मैं जनरल बना के नहीं कर रहा हूँ, आपको जनरल बना के करना है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ
क्योंकि जनरल वगैरह बनाऊंगा करूंगा ना, तो फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग लेक्चर हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। तो समय बचाने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को भी मैं शॉर्ट में लिखूंगा ताकि अपना समय बचे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हाँ, इसमें अमाउंट आप सेकंड एंट्री के बाद लिखना, उसकी वजह है ना क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी है इसमें, और टू हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, नरेशन आप खुद लिख देना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ देखिए कितने रुपए मंगा रहे हैं, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, ये ध्यान रखना, 30 रुपीज़ मंगा रहे हैं। और शेयर इशू तो हम कितने करना चाहते थे, 10,000, लेकिन एप्लीकेशन 9,500 ही आई ना, तो 9,500 से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 9,500 मल्टीप्लाई बाय कितना, कितने मंगा रहे, 30 रुपीज़, कितने मंगा रहे, 30 रुपीज़। सुनील बेटा कैलकुलेटर देना मेरे, और यहाँ कितना हो जाएगा, 9,500 मल्टीप्लाई बाय, हाँ प्रीमियम कितना है, 10, तो ये 10 हो जाएगा। तो अब देखिए 9,500 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो ये आ गया 285, और यहाँ आ जाएगा 95,000, और इन दोनों की टोटल आ जाएगी ऊपर 3,80,000, 3,80,000 रुपये, और वो इधर आ जाएगी 380। बस हो गई एप्लीकेशन की एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, यही थी और क्या थी। हाँ जी, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अलॉटमेंट में आते हैं, चलिए सबसे पहले अलॉटमेंट तो पहले ड्यू होगा, अलॉटमेंट तो पहले क्या होगा, अलॉटमेंट तो पहले ड्यू होगा। चलिए अलॉटमेंट है कितना, 40 रुपीज़ है, अच्छा तो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। तो थर्ड एंट्री के अंदर हम करेंगे सबसे पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और पूरी की पूरी फेस वैल्यू है तो आ जाएगा 9,500 मल्टीप्लाई बाय 40। मांगेंगे तो पूरा ना, हाँ एक जने ने एडवांस चुकाया है या किसी ने पे नहीं किया है वो किसके साथ आएगा, वो तो बैंक वाली एंट्री में होगा ना सब एडजस्टमेंट, ड्यू तो हम पूरा ही करेंगे। आइए तो यहाँ हम करते हैं एंट्री नंबर फोर्थ, हमारी अगले क्वेश्चन पेपर पे चलने से पहले ही ये कर लेते हैं। तो एंट्री नंबर फोर्थ के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आइए ये अलॉटमेंट जो डेबिट हुआ ना ये तो हो जाएगा क्रेडिट, ये जो अलॉटमेंट डेबिट हुआ ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कुछ लाइन छोड़ के मैं इसको क्रेडिट कर देता हूँ क्योंकि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों आएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 380, जितने से डेबिट उतने से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब आइए आगे देखिए बैंक में कितना रुपया, बैंक में रुपए तो 380 आने चाहिए थे, मैं यहाँ पर बैंक का हिसाब कर सकता हूँ इधर आपके लिए कि भाई अलॉटमेंट में बैंक में कितने रुपए आने चाहिए, बैंक में रुपए तो 380 आने चाहिए, हाँ सर। लेकिन एक है जिसने अलॉटमेंट पे नहीं किया, वो कौन है, कोमल, कितने शेयर पर, 300 पे, और अलॉटमेंट है कितना, 40, तो 300 शेयर पर उसने कॉल्स इन एरियर कर दिया, तो लेस कॉल्स या अलॉटमेंट इन एरियर, कॉल्स इन एरियर नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट इन एरियर, तो हम लेस कर देंगे जो अलॉटमेंट एरियर करा है, अलॉटमेंट पे नहीं करा है, कितने पे, 300 शेयर और 40 रुपये, तो ये बैंक से लेस हो जाएंगे। तो 300 शेयर मल्टीप्लाई बाय 40, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये 12,000 रुपये, ये लेस। हाँ एक जने ने एडवांस पे किया वो तो बैंक में ऐड हो जाएगा ना, फर्स्ट कॉल एडवांस पे कर दी, कॉल्स इन एडवांस, अच्छा कॉल्स इन एडवांस कितना है, 200 शेयर पर अलॉटमेंट तो पे किया ही राज ने, उसके साथ फर्स्ट कॉल भी पे कर दी, और फर्स्ट कॉल है कितनी, वो तो 30 रुपीज़ है, 30 रुपये, तो यहाँ हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 30, तो देखिए 200 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 6,000 ऐड हो जाएंगे, और यहाँ बैंक में कितना आ जाएगा, 380 आने थे, 12,000 नहीं आए और 6,000 आ गए, तो ये हो गया 374,000। तो बैंक में तो 374 आप वर्किंग नोट में ऐसे कर सकते हैं। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो मैं पेन भी चेंज करूँगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं, बुक भी बोलती है एक्चुअल में, कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं कि जो
कॉल सीन एरियर है या कॉल सीन एडवांस है इसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉल सीन एरियर की आप एंट्री भले मत कीजिए, लेकिन कॉल सीन एडवांस की आपको एंट्री करनी चाहिए। तो कॉल सीन एडवांस यानी कि पैसा हमारे पास एडवांस आ गया है, तो ये हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, ये आप सोच सकते हैं। आप 11th पढ़ के आए, कॉल्स इन एडवांस है, पैसा आपको एडवांस मिल गया, कंपनी को पैसा एडवांस मिल गया, तो कंपनी की एसेट तो कैसे हो सकती है? एडवांस में पैसा आया है ना, तो लाइबिलिटी ही होगी। तो कॉल्स इन एडवांस इधर आ जाएगा, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट हो जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी है ना। कितने की है? 6,000। ओके, हाँ, जो ये अलॉटमेंट जो अरियर हुआ है, अलॉटमेंट जो बकाया है, ये अलॉटमेंट जो है ये मतलब आपको मिलना चाहिए थे 12,000 रुपीज़, अलॉटमेंट में मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले नहीं है, बकाया है। तो ये आपके लिए एसेट है ना, क्योंकि सामने वाले से आपको लेने हैं, जिसका नाम कोमल है, तो कोमल से पहले से लेने हैं, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा। और इधर हम कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वापस अलॉटमेंट ही करते हैं, इसीलिए इसकी एंट्री कुछ लोग नहीं करते। वो कितनी हो जाएगी? 12,000। तो ये एसेट है इसलिए डेबिट किया, ये लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट किया, ये और इसी के साथ आपकी ये एंट्री हो गई। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर हो जाएगी आपकी 5th, और 5th एंट्री हम करेंगे फर्स्ट कॉल की। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू की करेंगे पहले, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल का मतलब ही फेस वैल्यू होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और फेस वैल्यू 30 रुपीज़ है, ना डिस्काउंट इसमें लेड से ना प्रीमियम एड है, वही फेस वैल्यू होती है। कितने शेयर्स पर ड्यू तो हम पूरा करेंगे, 9,500 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 9,500 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 285, 2,85,000। आइए बैंक की एंट्री करते हैं। बैंक की एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक जने ने तो क्या किया था, एक जने ने क्या किया था सर, एक जने ने पहले चुका दी थी फर्स्ट कॉल, जिसका नाम राज था, और कितने रुपए चुकाए थे? 6,000 रुपये। और एक ने फर्स्ट कॉल चुका ही नहीं है। तो आइए एंट्री नंबर 6th, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दूंगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, 285 से डेबिट किया था उससे क्रेडिट। हाँ, बैंक में 285 नहीं आएंगे, क्योंकि राज ने 6,000 रुपये अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिए थे। ये देखिए, राज ने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल पे कर दी थी, तो राज अभी पे थोड़ी करेगा। हाँ, नहीं करेगा। और यहाँ पर हमने उसको एसेट जनरेट कर दिया था, सॉरी लाइबिलिटी, कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए लाइबिलिटी थी, लेकिन अब तो उसकी ड्यू डेट आ गई ना, तो वो लाइबिलिटी थोड़ी है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एडवांस। कितने से डेबिट करेंगे उसको? कितने रुपये आए थे? 6,000 रुपये, तो 6,000 से डेबिट हो जाएगा। ओके, हाँ सर, पेन चेंज करता हूँ, एक सेकेंड, कलर चेंज करता हूँ पेन का, तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ जी, ओके, ये एंट्री तो समझ में आ गई, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो गया 6,000 से, क्योंकि पहले हमारी एसेट थी, अब नहीं रही, क्योंकि उसकी ड्यू डेट आ गई है अब। ये जो कोमल है, इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, तो ये हमारे लिए क्या है? एसेट है, उससे पैसे लेने हैं, तो यहाँ आ जाएगा, एसेट है तो डेबिट होगी, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितने पैसे लेने हैं? 200 शेयर पर 30 रुपये फर्स्ट कॉल के लेने हैं उससे, तो 200 शेयर पर 30 रुपीज़, ये हो गए 6,000 रुपये, तो 6,000 उससे लेने हैं। कॉल्स इन एडवांस जो है ना, ये डेबिट कौन सा किया है? ये वाला, क्योंकि इसकी ड्यू डेट आ गई, अब ये एसेट नहीं रही। और कॉल्स इन एरियर कौन सा क्रेडिट डेबिट किया है? ये एसेट वाला, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। ओके, समझ आया? हाँ सर, आइए, समझ आया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे, तो देखिए बेटा, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी, सॉरी, 300 × 30, 9,000 आ जाएगा। इसने फर्स्ट कॉल कितने पे नहीं करी है? 200 नहीं, 300 शेयर है कोमल के पास, 300 आएगा, 300 शेयर पर इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, तो ये हो गया 9,000, यहाँ 9,000 आएगा, सॉरी, ठीक है, 300 शेयर है ना,
300 शेयर पे उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, तो हमारे लिए एसेट है कि उससे हम हमको पैसे लेने हैं। अब बैंक में देखिए कितना आएगा, तो 285 माइनस कर दो 9000 क्योंकि मिले नहीं, और प्लस कर दो 6000 क्योंकि पहले ही मिल गए थे, तो 282 282,000। ये आया था एग्जाम में क्वेश्चन, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर मैं खुद करूँगा, अगर आपको आता है और आप करोगे तो विद इन 10 to 12 मिनट ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन था। तो ये आपका 2020 के अंदर जो पेपर आया था वो सोल्व हो गया, उसमें इतने क्वेश्चन आए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करें आपके पेपर जो बोर्ड एग्ज़ाम का था 2029 के अंदर, 2019 के अंदर जो पेपर आया था उसकी बात करते हैं। तो 2019 में जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आपका पेपर आया था, हाँ जी आया था, ये रहा, तो उसमें आपके कंपनी अकाउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 6 था, मैंने नंबर चेंज कर दिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यासु लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर गोयल लिमिटेड फॉर 6 लाख रुपीज। यासु लिमिटेड जो है उसने एक मशीन परचेज करी है किससे, गोयल लिमिटेड से, ओके ये कुछ नहीं है ऐसे ही प्रिंट हो गया 6 लाख रुपए में, और यासु लिमिटेड ने जो है वो इशू कर दिए बदले में 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 20% प्रीमियम पर पेमेंट टू गोयल लिमिटेड। आपको एक इशू करने की एंट्री करनी थी, बहुत ही शेयर इशू कर रहा है, सॉरी इक्विटी शेयर इशू कर रहा है अदर देन कैश के लिए, तो सबसे पहले जो मशीन परचेज करी उसकी एंट्री होगी, याद है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है यहाँ, वेंडर, हाँ जी सॉरी, वेंडर कौन है, अरे हाँ। वैसे तो इसने आपको एंट्री जो पूछी है ना वो इक्विटी शेयर इशू करने की पूछी है, लेकिन मैं वो भी बता देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, और वेंडर कौन है यहाँ पर, गोयल लिमिटेड, टू गोयल लिमिटेड, गोयल लिमिटेड LTD, ये कितने की मशीन है 6 लाख की, तो ये एंट्री होगी 6 लाख। मैन आटते हैं अपन सेकेंड एंट्री पर, सेकेंड एंट्री क्या होगी, गोयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसको हम दे रहे हैं कुछ। अब क्या दे रहे हैं हम, एक तो दे रहे हैं उसको शेयर, इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या है प्रीमियम पे दे रहे हैं, प्रीमियम कितना है 20%, प्रीमियम कितना है 20%, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बहुत ही इजी क्वेश्चन। गोयल लिमिटेड में कितने आ जाएंगे 6 लाख। कैपिटल का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कैपिटल मतलब ही फेस वैल्यू होता है, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है बेटा, पहले भी कई बार बताया, अभी भी बता रहा हूं और बताता रहूंगा, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही आती है। तो कैपिटल में फेस वैल्यू कितनी, आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी निकाल के दिए हुए, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल के दिए हुए ना, तो इसकी वजह से आपका एक फायदा है कि आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर खुद नहीं निकालने, वो कितने हैं 50,000, और एक शेयर कितने रुपए का है 10 रुपए का, तो कितने हो गए 5 लाख रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 और कितना परसेंट 20%, तो 10 का 20% कितना हो जाएगा 2 रुपए, 2, 1 लाख। बस ये मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा है, एक मिनट भी नहीं लगता इस एंट्री को करने में आपको, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये अच्छा है, इसमें आपको पूछा क्या है ये उस बारे में है, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें पूछा क्या है और करने कुछ लग जाएंगे, तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन के अंदर पता करना चाहिए कि भाई साहब वो क्वेश्चन जो है आपसे पूछ क्या रहा है, तो ये उस बारे में अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णा लिमिटेड इशू प्रॉस्पेक्टस टू इशू 20,000 शेयर, कृष्णा लिमिटेड जो है वो 20,000 शेयर इशू करना चाहती है, कितने 20,000 शेयर इशू करना चाहती है, ओके। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 30,000, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है यानी कि हम इशू करना चाहते हैं 20,000, और एप्लीकेशन रिसीव्ड जो हुई है वो हुई है 30,000, तो प्रो अलॉटमेंट हो गया ना, ओके। अब क्या बोल रहा है, प्रो रेटा अलॉटमेंट इज मेड, मतलब प्रो रेटा अलॉटमेंट किया टू एप्लीकेंट ऑफ 24,000, 24,000 को प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है,
तो 6,000 का क्या हुआ, एप्लीकेशन तो 30,000 की आई थी ना, उसमें से 24,000 को तो हम कितने दे रहे हैं प्रोडेटा, प्रोडेटा मतलब हमारे पास जितने हैं, हम हमारे पास कितने हैं 20,000 शेयर्स। पीछे जो 6,000 थे उनका क्या हुआ, उनको नहीं दिए, जीरो, उनको कोई शेयर दिया ही नहीं हमने। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे 400 शेयर वर एलोटेड, एक कोई राजेश है उसको हमने 400 शेयर दिए हैं एलोटेड, उसने मांगे कितने वो नहीं दिया हुआ, 400 शेयर एलोटेड दिए हैं उसको, 400 अंश आवंटित किए हैं बेटा, 400 अंश हमने राजेश को दिए हैं, उसने मांगे कितने वो पता नहीं है, वही निकालना। कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय हिम, राजेश ने कितने शेयर मांगे थे, कोई जनरल एंट्री पूछी इसने, कोई टेबल पूछी नहीं, ओनली पूछा कि जो राजेश है उसको हमने शेयर दिए 400, तो राजेश ने शेयर जो है वो मांगे कितने, राजेश ने शेयर जो है वो मांगे कितने, बस वही निकालना आपको। तो इसका एक फॉर्मूला है भाई, जिसने 24,000 मांगे थे उसको हमने कितने दिए 20,000, तो जिसको 400 दिए उसने मांगे कितने होंगे, तो 24,000 डिवाइड बाय 20,000 और मल्टीप्लाई बाय 400, तो यार 480 शेयर, बस ये आपका आंसर। लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन आपको खुद को करना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि राइट 4 आइटम अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। एक बात बताऊँ, आज संडे है लेकिन मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है इसको लाइक करने का, शेयर करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और थोड़ा हमारा सपोर्ट करने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये ज़रूर करेंगे। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन के अंदर है क्या, अरे भाई एक सेकेंड, बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पर भी, स्पेस चाहिए ना, स्पेस चाहिए। हाँ ये देखिए, राइट 4 आइटम्स मतलब कोई चार चीज़ें बतानी है अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आप जानते होंगे संचय है, वो आधिक्य की बात कर रहा हूँ मैं, तो वैसे तो बहुत सारी आती है, आपको कोई 4 बतानी है, तो उसके अंदर एक तो आता है आपका कैपिटल रिजर्व, लिख सकते हो आप, आपके याद करने के हिसाब से जो मैंने चार सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर दो एक जैसे हैं, देखो CRR और DRR और थर्ड फोर्थ नंबर सिक्योरिटी प्रीमियम। सर CRR DRR क्या है, CRR का फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और DRR का होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको लिखनी चाहिए, इसके अलावा आप जनरल रिजर्व PNL वो भी लिख सकते हैं, अगर ये याद नहीं हो तो जनरल रिजर्व लिख सकते हैं, PNL भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस वो लिख सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, अदर रेवेन्यू रिजर्व हो गए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th पे आते हैं, हिमांशु लिमिटेड, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं करवाने वाला, उसकी वजह है ये सॉल्व क्यों नहीं करवाने वाले हो सर, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व करवाने वाला हूं क्योंकि आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 18 सेम है, सेम 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 सेम, पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ अमाउंट चेंज किए हैं। यहां पर जो ये डिबेंचर इशू कर रहे हैं ये जे कुछ नहीं है, 10 लाख डिबेंचर इशू कर रहे हैं, इसमें से कुछ डिबेंचर 5 लाख की डिबेंचर कैश में इशू कर रहे हैं, 2.5 लाख की डिबेंचर जो है वो एक मशीन परचेज करी है उसके बदले में इशू कर रहे हैं, और 2.5 लाख की डिबेंचर जो है वो कॉलेट्रल सिक्योरिटी में के रूप में रख रहे हैं क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, लोन लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 करें आप, उसका सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है इस चैनल पर, कॉमर्स वाले गुरु जी चैनल पर, एक कंपनी अकाउंट्स नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर मिल जाएगा आप पूरा सॉल्यूशन। तो ये है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2018 का पेपर, और इसके अंदर हम क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कंपनी अकाउंट के अंदर, इस पेपर के अंदर 2018 के पेपर के अंदर और क्या आया था। तो चलिए, तो यहाँ आप देखेंगे एक बहुत बड़ा शानदार सा, एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। अब सर अच्छा सा और प्यारा सा क्यों, क्योंकि बहुत ईजी है,
और इम्पोर्टेंट भी लगाया हुआ होगा मैंने, है टेबल एफ, नाम सुना है कभी टेबल एफ? जो ऐप वाले स्टूडेंट हैं और जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे लेक्चर देखे होंगे, मैंने टेबल एफ के बारे में ज़रूर बताया होगा। तो हाजिर है आपके सामने एग्ज़ाम के अंदर टेबल एफ। टेबल एफ में इंटरेस्ट रेट दे रखी है कॉल्स इन एडवांस की, बेटा ओनली कॉल्स इन एडवांस की पूछी है। तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर की फालतू के बता के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो कॉल्स इन एडवांस की टेबल एफ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट क्या है? कॉल्स इन एडवांस इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम। कॉल्स इन एरियर की वैसे 10% है, लेकिन आपको आंसर में नहीं लिखनी है, जितना पूछे उतना जवाब देना है बेटा, है ना, वरना काफी सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। प्रॉब्लम यही है ना, प्रॉब्लम यही है कि जो पूछे हम उससे ज्यादा करते हैं। और होता क्या है, होना क्या है फिर, होना ये है कि आपके काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो रह जाएंगे। तो जितना पूछे उतना दीजिए। आगे सेकंड क्वेश्चन है, वंस 12% डिबेंचर ऑफ 100, 12% डिबेंचर जो है 100 रुपीज वाली इशू करे 110 में। अच्छा भाई, मतलब इशू करा है हमने, मतलब फेस वैल्यू है 100। अच्छा, और इशू प्राइस हुए 110। क्या समझा बेटा, यानी कि प्रीमियम पे इशू करे है हमने, किस पे, प्रीमियम पे। और प्रीमियम पे जब इशू करते हैं तो 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। हाँ सर, तो क्या करना है उसका, वो तो आगे क्वेश्चन बताएगा भाई। मैं तो अभी ये पढ़ के एक दिमाग के अंदर इमेज बना रहा हूँ कि ये हो रहा है, आपको भी करना चाहिए। विच इज रिडीमेबल एट 120, जिनका शोधन 120 रुपये पे करना है। मेक जनरल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर की, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बेटा नरेशन नहीं लिखनी है, ओके। हाँ जी, ये तो इशू की बात हो गई। रिडम्सन किस पे कर रहे हैं, रिडम्सन हम 120 पे कर रहे हैं, यानी कि इशू प्राइस यानी कि फेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू है 100 और रिडम्सन वैल्यू है 120। तो ये जो 20 रुपये का गैप है वो हमारे लिए लॉस है। प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्रॉफिट होता है, प्रीमियम पे रिडम्सन करते हैं तो लॉस होता है। बहुत बढ़िया। अब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, भले ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब आप ये जो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो ना, तो आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा होगा कि देखो पेपर कितना ईजी आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। और मेरा यही तो उद्देश्य है, यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़े। एग्जाम में कोई तुर्रम खा क्वेश्चन नहीं आते बेटा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप माहौल ऐसा बना देते हो कि उस सिंपल क्वेश्चन को भी हार्ड बना देते हो। एंट्री पे आते हैं, एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, सिंपल सी इशू करने की एंट्री है। चलिए कर देते हैं सिंपल सी इशू करने की एंट्री। एंट्री होगी भाई साहब, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले डिबेंचर है, टू एट 12% डिबेंचर, तो टू 12% डिबेंचर। आप चाहो तो डिबेंचर एप्लीकेशन कर सकते हो 100 रुपये। हाँ जी 100 रुपये फेस वैल्यू, 100 रुपये नहीं सर, प्रीमियम है। क्या है, क्या है प्रीमियम, प्रीमियम समझते हो, तो बैंक में केवल इतना थोड़ी ही आएगा, प्रीमियम भी तो आएगा। चलो जी प्रीमियम की बात करते हैं, तो यहाँ 100 रुपये नहीं आएगा। ये गलती मैंने इसलिए की ताकि आपको बताऊं, आप भी ऐसा ही करोगे तो पहले इसमें अमाउंट ना लिखें, पहले 12% डिबेंचर एप्लीकेशन के साथ में प्रीमियम है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दोगे आप लोग, हाँ सर, टू कर दोगे 12% डिबेंचर, हाँ सर, टू करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ सर,
डिबेंचर को देख के आपको याद आनी चाहिए फेस वैल्यू वो है 100, प्रीमियम को देख के याद आना चाहिए प्रीमियम, तो यहाँ आ गया 110 और यहाँ भी आ जाएगा बैंक में 100। इशू तो ये कर रहे हैं ना ये वाला। ओके सर, रिडम्पशन की एंट्री करनी है क्या? नहीं। हाँ, अगर रिडम्पशन पे लॉस हो जाए तो उसकी एंट्री हम इशू के टाइम ही करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग बोलता है कॉन्सेप्ट कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो तो उसको अभी से ही रिकॉर्ड कर दो। तो लॉस हो रहा है तो उसकी एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी, उसका नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऑफ कितने रुपए से लॉस कितने का है? 20 रुपए का, बस हो गया। ओके नेक्स्ट आगे देखिए। वैसे ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें से कुछ पूछा जा सकता है। उसकी वजह है चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो बैलेंस शीट दे रखी है ना, हाँ तो बैलेंस शीट है, तो ये बैलेंस शीट के ही आइटम। तो बैलेंस शीट में आपको बताना है इनका हेड क्या है और इनका सब हेड क्या है, मतलब बैलेंस शीट में इसको कहाँ लिखते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा इसका हेड और इधर मैं लिखूँगा इसका सब हेड, और बेटा मैं शॉर्ट में लिखूँगा, है ना। हाँ जी सर, तो पेन चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, सब एक जैसा जैसा लग रहा है ना। हाँ, अनक्लेम डिविडेंड हेड है इसका करंट लाइबिलिटी, और इसका सब हेड है अदर करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हेड है, सब हेड है अदर करंट लाइबिलिटी, यानी कि सब हेड नंबर 4, और करंट लाइबिलिटी यानी कि हेड नंबर 4। सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसको बैलेंस शीट याद है ना वो बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ उसको सब समझ में आ रहा है, वो आंखें बंद करके बिल्कुल इमेज बना सकता है बैलेंस शीट की। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम का जो हेड है ना वो तो है शेयर होल्डर फंड, और सब हेड कौन सा है बेटा? सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, परपोज डिविडेंड के बारे में बताइए सर। बिल्कुल, करंट लाइबिलिटी है हमारी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। कैसा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, याद कर लेना इनमें से, क्या पता पूछ ले। एक्सेप्टेंस क्या होती है सर? एक्सेप्टेंस जो है आपकी ये करंट लाइबिलिटी है और ये आती है आपके ट्रेड पेबल के अंदर, एक तरह के क्रेडिटर होते हैं हमारे लिए। डिबेंचर कहाँ आएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी NCL मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी दिखाते थे ना नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, और कहाँ? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाते थे भैया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। कितना अच्छा लग रहा होगा ना आपको, कितना मज़ा आ रहा, फील आ रहा होगा ना एकदम, आप फील कर पा रहे होंगे। जिसकी अच्छी तैयारी है ना, जिसको कंपनी अकाउंट अच्छे से आता है ना, जिसने मेरे सारे लेक्चर देखे ना, मैं देखो आंखें बंद करके बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जिसने भी मेरे कंपनी अकाउंट के सारे लेक्चर देखे ना, उसको लग रहा होगा सर ने जो कराया उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। ये अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि ये चैप्टर नंबर 6 से है, और वो इस बार COVID-19 की वजह से हमारे चैप्टर में नहीं है, कोर्स में नहीं, वरना ये भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। हाँ, तो कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो ये करंट लाइबिलिटी है, और इसका जो सब हेड है वो है अदर करंट लाइबिलिटी। ये एकमात्र चीज़ है जो चैप्टर नंबर 6 से है, लेकिन मुझे लगता है आपको याद होनी चाहिए, क्या पता इसमें से कोई एक नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, फिर बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की। करंट लायबिलिटी है और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और फिर बात करें अगर प्रीपेड इंश्योरेंस की, तो ये करंट एसेट्स है और ये अदर करंट एसेट्स के अंदर आता है, तो इसको आप जरूर नोट करें, है ना, और क्या पता इसमें से कोई कुछ आ जाए। फिर देखिए आगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन कराऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। प्रो एलोटमेंट के साथ में प्रीमियम मंगा रहा है सर, हम करेंगे कैसे? हमको ये PDF कहाँ मिलेगा? आपको PDF चाहिए? आप लोगों को PDF चाहिए क्या? चाहिए ना, टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम कहाँ है सर? कॉमर्स
वाले गुरुजी, ये है टेलीग्राम का नाम, टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाले गुरुजी, आगे एट द रेट लगा देना, एट द रेट कॉमर्स वाले गुरुजी। सर ये तो यूट्यूब चैनल का नाम है, तो यही टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसी आईडी से अपना इंस्टाग्राम है, इसी नाम से जो है अपना एप्लीकेशन है, इसी नाम से सब कुछ है, कॉमर्स वाले गुरुजी जी। हाँ मैं ही हूँ बोल रहा हूँ। आर लिमिटेड जो है 20,000 के शेयर इशू करना चाहता है 120 पर, और जो भी 20 रुपये का प्रीमियम है वो यहाँ मंगा रहे हैं, तो 20 का अलॉटमेंट हो जाएगा, 20 का प्रीमियम हो जाएगा। मैं इतना बता दूंगा, एप्लीकेशन आपकी है 10 रुपये, अलॉटमेंट आपका हो जाएगा 20 प्लस 20, और बाकी किस पे मंगा रहा है, रिमेनिंग विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बाकी किस पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना हो गया बताइए। तो अगर 100 में से 30 चले जाएंगे, कितने 30, तो पीछे कितने 70 रुपये, विश्वास नहीं होगा लेकिन ऐसा ही होगा। ओके, ओवर पेमेंट जो भी है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट कर सकते हो, और जिनको अलॉटमेंट नहीं करेंगे उनका पैसा रिफंड करना है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन आई है 33,000, उसमें से 12,000 जिन्होंने मांगे उनको हमने 2,000 शेयर दिए। अच्छा 33,000 आई है, हाँ जिन्होंने 12,000 मांगे उनको हमने 2,000 दिए। ओके फिर आगे क्या हुआ, जिन्होंने 3,000 मांगे उनको दिए ही नहीं, रिफंडेड देयर अमाउंट, उनका अमाउंट ही लौटा दिया, जिन्होंने 3,000 मांगे उनको दिए ही नहीं, जीरो। पीछे कितने बच गए, 12 और 3 तो कितने हो गए बेटा, 33 में से एक तो 12,000 को रवाना कर दिया 2,000 शेयर पकड़ा के, 3,000 को कुछ भी नहीं दिया, तो मांगने वाले बच गए 18,000, और इनको बचे हुए दे दिए। भाई बचे कितने हमारे पास, 20 थे, हाँ 2 यहाँ दे दिए, तो पीछे 18 बच गए, तो 18 को 18 ही दिए। अरे वाह क्या क्वेश्चन दिया है, मजाक कर दी ये तो, कोई कॉमेडी चलती है, जज्बात बदल दिए वाला देखा आपने, सेम वैसा ही हो गया, ये तो 18 को 18 ही दे दिए। आ जाओ इधर आ जाओ। ऑल मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड इन फुल विद इन टाइम, सारा पैसा रिसीव्ड हो गया, एंट्रिया करनी है कर लेना, प्रोरेटा टेबल पहले बनाना, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये आपको पेपर में बहुत मिलेगा इस बार, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ ये आपको बहुत मिलेगा, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, नरेशन की जरूरत नहीं है, तो मत देना, टाइम पास मत करना, क्योंकि फिर पेपर छूट जाएगा, लेंदी पेपर आता है बेटा, ये तो सिर्फ कंपनी कंपनी अकाउंट के क्वेश्चन है। ओके पेपर नंबर बोर्ड एग्जाम के 2017 पे आ चुके हैं हम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप काफ़ी टाइम से मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ। आइए हम समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले बोला है हाउ डज कॉल्स इन एरियर शो इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कॉल्स इन एरियर को कहाँ दिखाया जाता है। उड़ी बाबू काफ़ी स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा कि सर ऐसा कुछ हमको पता ही नहीं है, मेरे प्यारे स्टूडेंटों को ज़रूर पता होगा, तो जिन स्टूडेंट को पता है ना बेटा, हाँ आप मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं, माय डियर स्टूडेंट मैं कई बार बोलता रहता हूँ, तो वो सच में आप ही है, मुझे पता है, पूरा यकीन है आपका रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है। हाँ जी अपने आप पर विश्वास रखिए। हाँ तो मैं बात कर रहा था बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, तो बेटा बैलेंस शीट में तो हम कहाँ दिखाते हैं वो बात की बात, पहले बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटी। बेटा मैं सॉरी चाहूँगा मेरी हैंड राइटिंग जो रही इक्विटी एंड लाइबिलिटी, मेरी हैंड राइटिंग जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि बेटा 5 साल के पेपर कराने मेरे को घंटे भर के अंदर अंदर, उससे थोड़ा लंबा वीडियो हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। हाँ इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये नोट नंबर का कॉलम है, ये रुपीज़ का कॉलम है, आपको बताइए इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर आता है फिर क्या आता है, फर्स्ट नंबर आता है ना, हाँ शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर ए पॉइंट आता है शेयर कैपिटल, उस शेयर कैपिटल का नोट बनता है एक, बस ये नोट में शो होता है कॉल्स इन एरियर, क्या होता है नोट बनता है जिसका नाम क्या है नोट नंबर एक, इसके अंदर यहां लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है किसका नोट है ये शेयर कैपिटल, ये
इसमें सबसे पहले लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसके अंदर लिखते हैं इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज इतने 100 ईच, और फिर वो बार अमाउंट आता है, ये बंद हो जाता है। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके अंदर आता है वही इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा। फिर नीचे आता है यहाँ पर बेटा कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप। मैं काफ़ी टाइम से बैठा हूँ, आप भी बेटा काफ़ी टाइम तक देखना, अगर कोई भी बच्चा ये पूरा नहीं देखता है पेपर तो वो अपना नुकसान कर रहा है, और जो मैंने मेहनत करी है उस पर पानी फेर रहा है। मैं भी तो इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, आपको तो देखना है, मुझे तो एक जगह बैठ के इतना समझाना है, तो देखो खांसी भी आ रही है पढ़ा पढ़ा के। इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ जो कैपिटल लिखेंगे उसमें से लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर, पेडअप में से लेस कर, फिर जो अमाउंट आएगा वो आएगा बाहर, उसकी टोटल होगी और वो वाला अमाउंट यहाँ लिखते हैं, इस प्रकार से शो करते हैं। आइए, तो पता चल गया कहाँ शो करते हैं, नोट में शो करते हैं, शेयर कैपिटल का जो नोट बनता है उसमें शो करते हैं। वन डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर, बेटा मजाक कर दिए, वो अभी जो एग्जांपल वही याद आ रहा, जज्बात बदल दिए, वो बड़ा फनी सा था, आपको याद है। पेपर हार्ड नहीं आता है बेटा, पेपर लेंदी आता है, क्वेश्चन ईजी होते हैं लेकिन आप लोग क्या करते हो उस क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हो, पता नहीं क्यों करते हो आप। अरे उसको निपटाओ फटाफट करो, पेपर बड़ा है। आगे देखो, मैं नहीं बताने वाला, अगर किसी को बताना पता भी नहीं है तो मैं दो वर्ड लिख देता हूँ, ये डिबेंचर में दिया जाता है, ये डिबेंचर होल्डर को, ये डिबेंचर होल्डर को, और ये शेयर होल्डर को, पता चल गया। हाँ जी, मोहित पेड अलॉटमेंट मनी 3 rupees पर शेयर 1000 इक्विटी शेयर विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आफ्टर 4 months। मोहित जो है उसने अलॉटमेंट पहले नहीं चुकाया, 3 rupees का अलॉटमेंट था, उसके पास 1000 शेयर थे तो उसका अलॉटमेंट था 3000 rupees का, और वो किसको चुका रहा है, कब चुका रहा है, अलॉटमेंट की डेट को नहीं चुका रहा है, वो चुका रहा है 3000 rupees फर्स्ट कॉल की डेट को, और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 months का। बताइए टेबल ए पहले होती थी, अभी टेबल ए नहीं है बेटा, अपनी टेबल नंबर एफ है, आपको पता है, और उसमें कॉल्स इन एरियर की जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% पर एनम है, आपको इंटरेस्ट ही निकालना है, ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। आइए निकालते हैं, कहीं यहाँ कोने में टाइम मिल जाए, यहाँ निकाल देते हैं भाई, 3000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4/12, सही है, उसको इंटरेस्ट लेना है उससे, तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गए 4, और यहाँ आ जाएगा 3 3 1 3, अरे वाह बढ़िया, 100 rupees। ये बार कैलकुलेशन आजकल मेरी सुधरती जा रही है, वैसे मुझे पता है मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आजकल पता नहीं बढ़िया है, 100 rupees करेक्ट आया, कैलकुलेटर से चेक किया मैंने, विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होता है, बताने की ज़रूरत है, बताऊँ क्या होता है, ये रहा, ये होता है प्रोरेटा अलॉटमेंट, कहाँ गया रे, यहाँ भी कराया, ये रहा, जितने बचे उतने दे दूँ, मतलब प्रपोर्शन में अलॉटमेंट कर दिया, जैसे 12 मांगे तो 3 दिए, किसी को नहीं दिए, फिर जितने बचे गए उतने उसको दे दिए, ये प्रोरेटा अलॉटमेंट आप जानते हैं। नेक्स्ट, अ कंपनी परचेज मशीन, अब ये मैं कराऊँ, मैं नहीं कराऊँगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, पहले करा दिया मैंने एक मशीन वाला, ठीक है, आगे एक ध्यान रखना, ये रुपीस दे रखे हैं, 100 rupees वाले 1000 rupees के डिबेंचर इशू कर दिए, वो भी 10% प्रीमियम पर, ट्राई टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हाँ भाई, बकाया मांग कॉल्स इन एरियर पे और एडवांस कॉल में, यानी कि कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस में डिफरेंस बताने, वो भी 4, मालूम है, पहला मैं बताऊँ, एक मैं बताता हूँ, कॉल्स इन एरियर हमारे लिए
एसेट्स होती, कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी होती, इसलिए इसको हम डेबिट करते हैं, इसको हम क्रेडिट करते हैं। इस पर इंटरेस्ट की रेट 10% है पर एनम, इस पर 12% है पर एनम एज पर टेबल एफ, एक आप ढूंढ लेना। हाँ, ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल में डिफरेंस, या इनको समझाइए। ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के एमओए के अंदर लिखी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम के अंदर लिखी हुई होती है, कंपनी इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। इशूड कैपिटल क्या होती है? ऑथोराइज कैपिटल का ही ये पार्ट होती है। समझदार है आप, मुझे पता है। मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि पेपर कोई खतरनाक नहीं आने वाला है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको एहसास भी दिला दूंगा कि पेपर बहुत लेंथी आता है, हार्ड आता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि कुछ क्वेश्चन आते ही नहीं थे, मन को मना लेते हैं। लेंथी का मतलब समझते हो, क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉल्यूशन पता है उसका, सब पेपर आता है, लेकिन फिर भी 3 घंटे हो गए, आते हुए भी छूट जाना, ये डेंजरस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। डिबेंचर ये नहीं कराऊंगा, आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर बता दूं कौन सा, 19वां, सेम टू सेम, ठीक है। कौन सा वाला? वो एक्स्ट्रा एंट्री वाला, जिन्होंने मेरे लेक्चर देखे हैं उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे देखना चाहते हो या ऐप पे, वो डिसाइड कीजिए। ऐप पे पैसे लगेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे, 50% डिस्काउंट चल रहा है, और यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो फ्री है, यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंपनी अकाउंट वहाँ देख सकते हो, ऐप पे जाओगे तो आपको और डिटेल के अंदर मिल जाएगा। ये आरती लिमिटेड, ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने पढ़ के देखा था, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। बोर्ड एग्ज़ाम 2016, इसमें डेफिनेशन बोली है गवर्नमेंट कंपनी है, वो सभी गवर्नमेंट कंपनियां हैं जिन कंपनियों के 51% शेयर पर, 51% शेयर पर गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कंपनी का, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, राइट है, कंट्रोल है। ओके, आईपीओ कितनी बार बोला है बेटा क्लास के अंदर, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब भी कोई कंपनी या फर्स्ट टाइम अपने शेयर पब्लिक में इशू कर दिया है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। क्या बोला ये, मजाक कर दिया, बताता हूँ। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम जरूरी है, नहीं ऐसा तो नहीं है, मान लो जब कोई कंपनी पब्लिक में अपने डायरेक्ट शेयर इशू करती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं, आईपीओ निकलते रहते हैं अगर शेयर मार्केट का थोड़ा सा आपको नॉलेज हो तो। राइट टू डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लो भाई एक और मजाक कर दी भाई ने, दो डिफरेंस बताने हैं शेयर्स में और डिबेंचर में, अभी तो बता के आया हूं मैं चार। हाँ, नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस क्या होता है भैया, समझाइए। अब ऐसे मत बोलना सर, क्यों देख रहे हो ऐसे? इसलिए देख रहा हूं, देखो पेपर हार्ड नहीं आता है, पेपर लेंदी आता है बेटा जी। हाँ, ऋण पत्रों पर ब्याज के नियम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के रूल। हाँ, मैं बता देता हूँ, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। अच्छा, इंटरेस्ट पे अगर TDS है तो उसका अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, और इंटरेस्ट का पेमेंट जो है मंथली किया जा सकता है, क्वार्टरली किया जा सकता है, हाफ ईयरली किया जा सकता है, ईयरली किया जा सकता है। वाह 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 वाह, देखो अगला क्वेश्चन देखो, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं ऐप वाले, मैंने कितनी बार बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज क्या क्या है वो बताइए, आपको पता है ना सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज क्या क्या है? नहीं पता है तो करके जाना, काफ़ी टाइम हो गया इस क्वेश्चन को आए हुए, 2016 में आया था, वापस रिपीट हो सकता है और मेरे हिसाब से होगा। उसके अंदर सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ जो है वो बोनस शेयर इशू करने में, बोनस शेयर इशू करना चाहते हो, या सेकंड नंबर अगर कोई डिबेंचर इशू किए थे आपने डिस्काउंट पे, डिबेंचर इशू किए थे डिस्काउंट पे, और या फिर इशू के जो एक्सपेंस है उसको राइट ऑफ करने में। थर्ड नंबर डिबेंचर है, डिबेंचर नाम सुना है? हाँ सर, डिबेंचर का अगर रिडम्पशन करते हो प्रीमियम पर लॉस होगा। हाँ सर,
उसको राइट ऑफ करने में, राइट ऑफ मतलब अपलिखित करने में, राइटिंग ऐसे लिखूंगा बेटा, वरना तो ये 3 घंटे लगेंगे इस पेपर के लिए। अगर आप अपने शेयर का बायबैक करना चाहते हो, बायबैक ऑफ ओन शेयर्स, और लास्ट फिफ्थ ये एक्सपेंडिचर के नाम सुने हैं, प्रारंभिक व प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, उसको राइट अप करने में। अजय लिमिटेड, विजय नहीं, विजय नहीं है, अजय ही है, अजय और विजय नहीं, अजय ही है, लेकिन मेरे को तो यहां एक चीज दिख रही है, ये बोलते हैं, ये बोलता हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कोलेट्रल सिक्योरिटी, मतलब वो वाला जोश आता है इसको देखते हैं, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करी हमने इसके ऊपर। दो मेथड होते हैं जिसमें एक में एंट्री करते हैं, एक में एंट्री नहीं करते, ओनली बैलेंस शीट में शो करना होता है, करना। सिवा लिमिटेड पूरा क्वेश्चन है, पहले क्या था, फोरफीचर भी नाम की एक चीज होती थी 2016 के अंदर, लेकिन अभी हमारे कोर्स में नहीं है ये, और वैसे भी इसने बोला एक्सक्लूडिंग फोरफीचर, तो इस लाइन को मत पढ़ना, बाकी ये आप पूरा क्वेश्चन घर पे ट्राई कर सकते हैं। वक्त, समय, टाइम किसी का भी इंतजार नहीं करता, ऐसा ही होता डायलॉग होते हैं ना पिक्चरों के, कुछ ऐसे ही होते हैं। डॉन, डॉन का डायलॉग है शायद, पता नहीं, छोड़ो, अपन को कोई नहीं करना उस डायलॉग से। सर बोलो क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारे क्वेश्चंस एक बार अपने हाथ से ज़रूर करें, टाइम निकल जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, कंटिन्यू पढ़ाई करें। आज होली है लेकिन मैं इस कोचिंग सेंटर में बैठा हूँ आपके लिए, आज पूरे दिन बैठ के मैंने ये काम किया है। अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने मेहनत करी है, आप दिखाना चाहते हैं कि हाँ सर आपकी मेहनत हमें पसंद आई, तो पसंद कीजिए, हैं, पसंद कीजिए, नहीं लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, ये क्या होता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहें हमारे साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका और हमारा सफ़र लंबा रहेगा, ट्वेल्थ के बाद भी, बीकॉम करना चाहते हो तो भी, या फिर सीए करना चाहते हो तो भी। बाय बाय।